जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राकेश और ये है इसका नाम है गैलेक्सी M02। मतलब कई सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, बजट में भी फ़ोन बनाते हैं और ये सैमसंग की तरफ से एकदम बजट में फ़ोन है, क्योंकि जो लोग सैमसंग का फ़ोन चाहते हैं वो भी बजट जिनका कम है उनके लिए एक तरीके से मतलब एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया सैमसंग की तरफ से। मैं आपको एक अनबॉक्सिंग और इम्प्रेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, तो गैलेक्सी M02 तो ये है मेन फोन एंड अंदर है एक माइक्रो यूएसबी केबल एंड एक हमारे पास है 7.7 वोट के अराउंड है, यानी कि 7.5 वोट कह सकते हो आप। ओके, तो इसको कर लेते हैं फटाफट बाहर। इसके ऊपर एक टेक्सचर है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पूरे पे मतलब बैक पे बना हुआ है। ग्रिप अच्छी बन रही इसकी वजह से, ये सही लगा मुझे। मैट फिनिश विद टेक्सचर कह सकते हैं इसको, है तो प्लास्टिक बैक। आई होप यहाँ पे ना 3 कार्ड स्लॉट होना चाहिए, आई मीन मेमोरी कार्ड वाला। तो यस, इसका प्राइस क्या है पता है आपको? इसका प्राइस है 6799, इंट्रोडक्टरी प्राइस है। और ये दो वेरिएंट में आता है, वैसे मेरे पास है 3GB 32GB, एक और मिलता है 2GB 32 के साथ। और यहाँ पर सैमसंग ने क्या किया, जो इस रेट में ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं, आपको भी पता है इस रेट में बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, 3 ऐसी चीज़ें जिस पे एकदम मतलब फोकस किया। सबसे पहले वो है इसका एक तो डिस्प्ले, 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले है, ये TFT है। आप देखो ना, ये डे लाइट में भी विजिबल है डिस्प्ले। 7000 से नीचे का फ़ोन है ये हमें याद रखना है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको भी पता है 500-500 रुपये बढ़ाने से फ़ोन के रेट किस तरह चेंज होते हैं और ऑप्शन भी किस तरह चेंज होते हैं। तो इसके रेट के हिसाब से आप देखो, डिस्प्ले ब्राइट है, इवन अगर साइड एंगल से भी ये विजिबल है डिस्प्ले। पूरा क्लीन बॉक्सी टाइप डिज़ाइन है और यहाँ पर आपको कोई फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता और फेस अनलॉक भी नहीं मिलता, यानी कि आपको यूज़ करना पड़ेगा या तो पैटर्न लॉक या फिर पिन, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो है इसका बैटरी। बैटरी पर आपको पता ही है सैमसंग नॉर्मली चाहे आप मिड रेंज में भी चले जाओ, जैसे M51 वगैरह 7000 mAh की बैटरी, तो यहाँ पर भी 5000 mAh की बैटरी है। और तीसरा बात करें तो वो है इसका कैमरा पे बात करें तो यहाँ पर 2 कैमरे दिए गए हैं। अब ये 2 कैमरे कैसे हैं, एक तो 13 MP है, एक है आपका 2 MP, ये मैक्रो कैमरा है। और इस रेट के फ़ोन को कैमरे को टेस्ट करना एक अलग ही मज़ा है। मतलब क्या बताऊँ आपको, पता इस रेट में कैमरे से आप कितनी उम्मीदें लगाओगे। लेकिन इसको मैं जब टेस्ट कर रहा था, ये है इसका मेन कैमरे से, मतलब एक ही कैमरा है मेन, वहाँ से जब फोटो क्लिक किया मैंने, और साथ में 2x जूम पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो फोटोज़ की क्वालिटी है, फूल पत्तियों या नेचर की फ़ोटो क्लिक करते हो ना तो कुछ इस तरीके से सैंपल मिलते हैं। तो यहाँ पर मतलब डेफिनेटली आप देख लो ना, 7000 के हिसाब से आपको खुद ही लगेगा कि फ़ोटोज़ की क्वालिटी अच्छी है, ह्यूमन फेस पे ओके सी आती है फोटोज़। एंड 5 MP की सेल्फी है, 5 MP सेल्फी, मतलब इसकी फोटोज़ देखो आप, एक मतलब लाइक डिसेंट सी फोटोज़ है। अब इससे आप सेल्फी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करने वाले हो, आप ये समझ लो कि ये आप वीडियो कॉलिंग वगैरह करने के लिए एक तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और आपको भी पता है कि अगर आपको और ज़्यादा मतलब बेहतर सेल्फी या फोटोज़ चाहिए तो फिर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस रेट के हिसाब से जो डिस्प्ले, बैटरी और जो कैमरा का सेटअप दिया गया वो एक काफ़ी बैलेंस सा दिया गया है। बाकी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, मेन फोटो का, उसके बाद मैक्रो और यहाँ पर फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, ये भी अच्छी बात है। हाँ, पोर्ट्रेट मोड नहीं मिलता। साथ में साउंड क्वालिटी चेक करा देता हूँ आपको। क्या आप जानते हैं पेटीएम से मनी ट्रांसफर करने के लिए KYC की कोई जरूरत नहीं, बस पेटीएम पे अपना। हाँ चल, पता है, अपने दोस्त को मत सिखा। स्पीकर क्वालिटी की बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं कि एक्स्ट्रा लाउड है या फिर बहुत ज्यादा डिम भी नहीं है, मतलब एक नॉर्मल सा स्पीकर आप सिंगल स्पीकर मान सकते हो। उसके बाद जो प्रोसेसर है, ये है MediaTek का 6739, ये एक्चुअली काफ़ी पहले आया था प्रोसेसर, और ये क्वाड कोर प्रोसेसर है, 28 नैनोमीटर बेस्ड है, जो कि आप कह सकते हो ये स्नैपड्रैगन 425 के अराउंड आसपास मान सकते हो आप इसको। तो हाँ, यहाँ पर इन्होंने बेसिकली 3 चीज़ों पे ज़्यादा टारगेट किया है, वो है डिस्प्ले, वो है बैटरी और एक है आपका मेन कैमरा अगर बात करें। और सेंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, तो यहाँ पर डार्क मोड वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। यहाँ पर 1 UI कोर दिया गया है, और 1 UI कोर मतलब लाइट वर्जन होता है 1 UI का, तो यहाँ पर वो ऑप्शन दिए गए जो आपको सैमसंग का एक्सपीरियंस है वो देने की कोशिश की गई है। बाकी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि लाइट सेंसर नहीं है तो इसकी वजह से आपको ब्राइटनेस को खुद मैनेज करना होगा। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ में वाईफाई कॉलिंग भी दिया हुआ है। तो इस तरह से ये चीज़ें इसमें ऐड की गई है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आपको पता है इस रेट में नॉर्मली ऑप्शन आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलते। कुछ ऑप्शन देखे हैं मैंने,
लावा वगैरह के आते हैं, तो मैं उनसे तो भाई इसको बेटर ही कहूंगा। और साथ में आपको ये भी पता है कि या नॉन चाइनीज फोन हो, इस तरह के ऑप्शन अगर आप ढूंढ रहे हो उनके हिसाब से, बजट के हिसाब से ऐड करने की कोशिश की है। तो अगर आपका बजट कम है, सैमसंग का फोन चाहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और साथ में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजोन पे मिल जाएगा, अमेजोन का लिंक भी दे दूंगा। तो ये था सैमसंग ने बजट में अपनी तरफ से जो जो दिया, मैं वो आपके साथ एक इंप्रेशन शेयर करना चाहता था। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।